दो ही सूरतों में तुम चुप हो जाती हो काव्या, या तो तुमने अपने दिल की आवाज सुन ली या फिर दिमागी शोर में उस आवाज को ढूंढ नहीं पा रही। सच का साथ देना आसान नहीं है काव्या, कि तुम्हारा विरोधी कोई एक इंसान नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था है जो कि न्याय से नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव से चलती है, जो मासूमों को तो सूली पे चढ़ा देती है लेकिन गुनहगारों को छोड़ देती है। आज जिस जगह पे तुम खड़ी हो ना काव्या, हम भी एक दिन उसी जगह पर खड़े थे, दरवाजा पीछे चीखे चिल्लाए न्याय मांगे लेकिन हुआ क्या, हमें हार माननी पड़ी। एक पिता होने के नाते हम तुम्हें बस इतना बताना चाहते हैं कि आगे होगा क्या। तुम सच बोलोगी तो तुम्हारा मन तो शांत होगा लेकिन शायद तुम्हारा घर टूट जाए। क्या तुम्हारी चुप इसीलिए कि तुमने फैसला कर लिया है? नहीं समझ आ रहा है हमें कुछ भी, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है काव्या, इसी असमंजस से तो हम तुम्हें बचाना चाहते थे, इस दुनिया से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे उसूल इन लोगों के उसूल से बिल्कुल अलग है। राजनीतिक साजिशों का शिकार होकर हम अपनी एक बच्ची खो चुके हैं, अब दूसरी नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहते। काव्या बंसल, क्या गिरिराज प्रधान ने उसे मारने की कोशिश की? क्या पंडित ससुर के जुर्म पर पर्दा डाल रही है? चुप क्यों है? क्या यह सच है कि आपने अपनी आंखों से अपने ससुर को एक मासूम आदमी पर जानलेवा हमला करते हुए देखा? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है मैडम? जवाब दीजिए। देखिए, जब तक हम पुलिस में बयान नहीं दे देते तब तक हम आप सबको कुछ नहीं कह सकते, आई एम सॉरी। ये क्या जवाब हुआ मैम? आप अपने ससुर को बचा रही हैं? क्या आप किसी दबाव के कारण चुप हैं या फिर आपका जमीर बिक चुका है? चुप क्यों आप? बताइए, बताइए चुप क्यों आप? बताइए, बताइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। काव्या को जो कहना था वो कह चुकी है, अब जाइए यहाँ से प्लीज। हमें जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, हमें भी जवाब चाहिए। जब तक हमें जवाब नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे काव्या जी। मैडम, आपने हमारी जान बचाई है तो काहे नहीं हमारे पति को इंसाफ दिलवा रही है मैडम? कहा किए है वो जो उनको पाइस बना दिया? मैडम, आपने वादे किया था ना मैडम कि आप न्याय दिलाएंगी, काहे चुप हैं आप? बोलिए ना मैडम जी। अरे ये क्या बोलेंगी, पॉलिटिशियन की बहू है ये, भ्रष्टाचार और दुगलापन भी सीख गई है ये। सही कहा आपने, समझौते तो घर में हो गए हैं, कानून और इंसाफ किया तेल लेने। बकवास मत करो। नहीं, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को जूतों की माला पहनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा। जवाब दीजिए काव्या बंसल, जवाब दीजिए काव्या बंसल, जवाब दिए बिना नहीं जाते, बोलिए काव्या बंसल। Hey!
दिखाओ। निकलो यहां से वरना एक एक को जेल भेज दूंगा। Get out! चलो बाहर। बाहर निकालो सबको, आप चाहिए इनको। काव्या दीदी आप ही मेरा सहारा है, मुझे न्याय चाहिए। काव्या दीदी न्याय देंगी ना आप हमें? बोलिए ना काव्या दीदी। मेरी बेटी मर चुकी है साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब आप हमें सिखाएंगे काम कैसे किया जाता है। चले जाइए यहाँ से। न्याय देंगी ना काव्या दीदी? मेरे बच्चे हैं। आज आराम से बैठ जा। बहुत दर्द हो रहा है। कितना खून बह रहा है। ये पत्रकार थे कि गुंडे धूर्त कहीं के। इन पत्रकारों की वजह से ये लोग भड़क गए होंगे। पत्रकारों का तो काम ही होता है झूठी खबर फैलाना। तुमने बहुत अच्छा किया काव्या, जो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आदि घाव साफ करने के लिए कुछ है बेटा? जी एंटीसेप्टिक लेके आता हूँ। हाँ मैं लाती हूँ। ला। थोड़ी हम कर लेंगे, अब जाइए अपने पति को बचाइए, जाइए। आदि हमने काव्या पे कोई जबरदस्ती नहीं की है, काव्या का अपना फैसला है और जो फैसला लिया है उसने बिल्कुल सही लिया है। हाँ क्योंकि उसने आपके पति को बचा लिया इसलिए। और कब तक ये परिवार की दुआएं दे देकर काव्या का मुंह बंद करवाएगी? बोलिए क्या इस घर में मुजरिमों को बचाने का ठेका सिर्फ काव्या नहीं ले रखा है? ऐसा तुम्हें लगता है, काव्या को ऐसा नहीं लगता इसलिए वो चुप रही। नहीं माँ, वो इसलिए चुप रही क्योंकि इस परिवार का मान रखना अपना धर्म समझती है। इसलिए चुप रही क्योंकि इस घर की बहू है और आपके पति उसे कितना भी सता है फिर भी वो उनकी इज्जत करेगी। तो तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारे पिता जो कुछ भी कह रहे हैं सब गलत है? हम हैरान हैं माँ कि आपने कैसे नहीं माना ये कि जब से अपने होश संभाला नेताजी को कोई ना कोई कांड करते हुए देखा है। तो हाँ उन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हमें किसी भी तरह काव्या को इस कश्मकश से निकालना है और वो हम करके रहेंगे। क्या करने वाले हो तुम? बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। काव्या एक बार फिर तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें 100% यकीन है कि पापा ने उस आदमी को धक्का दिया था? ठीक है चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। तुमने आज तक अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं की है काव्या, और आज तुम्हें करने भी नहीं देंगे। चल के अपना सच्चा बयान दो काव्या बंसल। प्रधान अपना फर्ज निभाओ। आदि ने काव्या ये सही नहीं कर रहा है आदि। ऐसा करके काव्या के लिए खतरा मोल ले रहा है।
सर ये गिरिराज प्रधान जी के बेल के पेपर है। कोई चश्मदीद गवाह मिला? कमिश्नर साहब अभी तक तो कोई गवाही देने नहीं आया। ठीक है फिर बेल पर छोड़ दो, उनको लॉकअप से खोल दो। अरे लाइए दीजिए चाबी, हमको दीजिए, हम खोलते हैं चाचा जी। चाचा जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये आपकी आजादी की चाबी हमारे पास है, खुश हो जाइए आप। हम तो ये सोच रहे थे कि वो काव्या बंसल के जो हमने गड्ढा खोदा है हम उसी में फंस के रह गए, मगर अच्छी पलटी मारी है। ऐसे कैसे फंस जाएंगे आप? आपसे वादा किए थे हम कि आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। काव्या दीदी आप ही मेरा सहारा है, मुझे न्याय चाहिए। इस घर की इज्जत अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने ससुर को कभी भी जेल में नहीं ले चुकी। ये बस अपना मुंह ना खोल दे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।